एक ही जन्म में दे दूसरा तो रब्बा मेरे मैं तगड़ा ओ मेरी हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल विनय एडिटिंग में स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह की रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो अभी के समय में कुछ इस तरह की रील्स इंस्टाग्राम में बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है गाइस। आप लोग भी कुछ इस तरह की रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो पूरे एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम VN एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अगर आपके में इंस्टॉल ना हो तो आप इसको वहाँ से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। VN एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस, मैं यहाँ नीचे की ओर जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ से एक लिरिक्स का वीडियो ऐड कर लेना है। तो मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर लेना और इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इस वीडियो को यहां सेलेक्ट कर लेता हूं। तो सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस, हमें सेकंड में उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसका हम रील्स क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड किए हैं। तो मैं इस वीडियो को यहां सेलेक्ट कर लेता हूं। तो सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस, हमें नीचे की ओर जो एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो गाइस, हमारा प्रोसेसिंग ले रहा है, जैसे ही हमारा प्रोसेसिंग कम्प्लीट होगा ऐड हो जाएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो ऐड हो गया है। तो हमारा सेकंड वाला जो वीडियो है इसमें ऑलरेडी म्यूजिक लगा हुआ है तो इसके म्यूजिक को हमें म्यूट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ वॉल्यूम को कट कर लेना है। तो गाइस, इस वीडियो में से हमारा म्यूजिक हट गया है। उसके बाद हमें वीडियो के लास्ट में आ जाना है और यहाँ हमें जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है इसको हमें यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो गाइस, आप यहाँ से देख ही सकते हो हमारा वाटर मार्क डिलीट हो गया है। उसके बाद इसमें हमें अब म्यूजिक ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक में चले जाना है और म्यूजिक ऑप्शन में जाकर म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, हमारा म्यूजिक ऐड हो गया है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ दोनों वीडियो के बीच में जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें वाइट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ सेकेंड वाले वीडियो में हमें इफेक्ट्स ऐड कर लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें वाइट को सेलेक्ट कर लेना है और इसको हमें वीडियो की स्टार्टिंग वाले पार्ट में रखना है और इसको गाइस हमें 0.50 सेकंड पे इसको रख लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ टैप टू एड स्टिकर में चले जाना है और यहाँ से हमें वीडियो फोटो वाले ऑप्शन में जाकर हमें एक बर्ड का वीडियो ऐड कर लेना है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, इसका यूज हमें सेकेंड वाले वीडियो में करना है तो मैं इसको ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। उसके बाद गाइस, इसको हमें थोड़ा सा जूम कर लेना है और इसको हमें वीडियो के ऊपरी साइड लगा देना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ क्रोमा पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ग्रीन स्क्रीन हट गया है गाइस। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को हमें यहाँ से ट्रिम कर लेना है। तो गाइस, ये हमारा परफेक्ट एडजस्ट हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया उसके बाद हमें यहाँ से बैक कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें प्रीक्वेल एप्लीकेशन का यूज़ कर लेना है। तो ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको भी यहाँ से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। प्रीक्वेल एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस, हमें यहाँ जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसको हम VN एप्लीकेशन में एडिट किए हैं। तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, हमारा इंपोर्ट हो रहा है। जैसे ही हमारा इंपोर्ट हो गया, हमारा ऐड हो जाएगा। तो गाइस, जैसे कि हमारा वीडियो ऐड हो गया है, उसके बाद इसमें हमें अब फिल्टर ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ सर्च वाले आइकन में चले जाना है और यहाँ से हमें इंडिकेट सर्च कर लेना है। तो गाइस, इंडिकेट सर्च कर लेने के बाद जो हमारा जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो गाइस, हमारा फिल्टर हमारे वीडियो में अप्लाई हो गया है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो मैं इसको इतना रख लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा 100 जैसे ही कंप्लीट हो गया, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं।
तो गाइस ये हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।